आज का जो टॉपिक है अपना वो है एसी और डीसी जनरेटर कैसे पावर जनरेट होती है। ठीक है, तो उसके विषय में अपन पढ़ते हैं कि किस तरीके से एसी बनता है और डीसी बनता है। अब देखो इसमें क्या है, माइकल फैराडे का जो सिद्धांत होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। लगभग 200 साल पहले ये सिद्धांत था। इसके लिए अपन को देखो क्या करना है, सबसे पहले दो चुम्बक लेना है, ए एन और एस, और बीच में एक कंडक्टर रखना है। कंडक्टर को अपन को क्या करना है, बार बार अप और डाउन करना है। जैसे ही अपन अप और डाउन करते हैं ना तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है। अब चूंकि एक कंडक्टर लेना उचित नहीं था इसलिए हमने क्या किया, ये पूरा एक लूप वाला कंडक्टर लिया और इसको इस तरीके से इसको घुमाना है जो है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होकर बाहर निकलता है और ये इस तरीके से हमारा पूरा लैम्प जलता है। अब इसमें आप देख रहे होगा ये विद्युत है, इलेक्ट्रिक जनरेट जनरेट हो रहा है इसमें जो है। तो ये किस तरीके से होता है इसका अपन पूरा डिटेल समझेंगे। अब देखो इसको समझते हैं, सबसे पहले ये है कि अपना पूरा लूप हो गया, कंडक्टर हो गया। इसमें देखो दो साइडें बनाई हैं हमने, एक साइड हमारी है ये ब्लू है और एक आपकी जो है पिंक तरीके की साइड है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये दोनों लूप एक दूसरे के 180 पे अपोजिट रहते हैं। अब ये धारा किस दिशा में बनेगी, कहाँ बनेगी, ये अपना माइकल फैराडे के दाएं हाथ के सिद्धांत से अपन पता करेंगे। इसमें अपन देख रहेंगे जो अंगूठा है वो फोर्स बताएगा स्पष्ट ही, और जो बी होता है वो फ्लक्स होगा, और जो अपनी बीच की उंगली होगी वो करंट जनरेट को रिप्रेजेंटेड करेगी जो है। ठीक है, इस पर समझ रहे होगे आप, देखो फ्लक्स है, फोर्स है और करंट जो है वो जनरेट करेगी इसमें अपनी। अब अपन को किस तरीके से ये करंट जनरेट करेगी, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है किस दिशा में। अभी अगर अपन पिंक वाले को देख रहे हैं तो देखो ऊपर को फोर्स लग रहा है, फ्लक्स आपका देख रहे हो एन से एस की ओर चल रहा है। इसमें आपको ये नहीं समझना है कि जो फ्लक्स है ये उंगली तो एन की ओर है तो उससे मतलब नहीं है, मतलब अपना जो फ्लक्स है वो इस तरीके से चल रहा है, ये बात अपन को इसमें समझना पड़ेगी जो है। तो फ्लक्स का डायरेक्शन एन से एस की ओर है, मतलब जो हमारी पहली उंगली है उसके साथ में है, इस तरीके का रहेगा जो है, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि जी एन की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। अब देखो हम क्या है इस तरीके पकड़े, अब देखो फोर्स अंगूठा में ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो रहेगा हमारा पहली उंगली का जो है, देखो ये एन से एस की ओर जा रहे हैं, स्पष्ट में दिख रहा है, ऊपर को तार जा रहे हैं, तो करंट जनरेट होगा जो पिंक वाले वायर में वो देखो उधर साइड को होगा, वो पीछे को जाएगा जो है। ठीक है, पीछे की ओर जाए, लेकिन इसी क्या दूसरा अपोजिट लेंगे जो ब्लू वाला है उसमें जो करंट होगा वो नेचुरल वो इधर बाहर की ओर आएगा, मतलब अपनी साइड को ये आएगा जो है। ठीक है, यानी बाहर की ओर जनरेट होके आएगा ये जो है, इस तरीके से ये पूरा जनरेट होगा इसमें जो है। अब देखो ये बाहर की ओर क्या है, ये जनरेट होके आ रहा है जो है। ठीक है, तो किस तरीके का जनरेट हो रहा है ये देखते हैं अपन जो है। अब देखो एक अपन ने इस साइड को भी लगा दिया, वो अप हो गया और एक डाउन हो गया जो, उसमें देखो जो कंडक्टर्स है अंगूठा है वो नीचे की ओर है, फ्लक्स वहीं है, और ये उंगली देखो इधर को अपनी साइड को बता, देखो वो उंगली उधर साइड को जा रही है, ये उंगली अपनी साइड, यानी डाउन साइड करंट की दिशा अलग रहेगी। ठीक है, ये देखो ये तीनों से मैंने आपको बताया, तो ये इधर को जा रही है और इसमें देखो बाहर को निकलेगी, यानी उसमें जनरेट होगी, उस साइड में जनरेट होगी वो उस साइड को जाएगी, और जो इसमें जनरेट होगी वो देखो अपनी साइड को आ रही है जो है। ठीक है, ये देखो ये जनरेट होके अपनी साइड को आ रही है जो है। तो इस तरीके से अपनी जो विद्युत है वो जनरेट होगी जो है, यानी फ्लक्स में अपना जो है वो चालक मूव कर रहा है, और मूव चूंकि एक चालक करने से संभव नहीं था इसलिए हमने लूप बनाया, तो दो लूप के जो आमने सामने के कंडक्टर्स होते हैं वो अपोजिट धारा को फ्लो करते हैं। अब देखो इसमें पूरे लूप में इस तरीके की होगी धारा जो है। ठीक है, ये वहाँ से उस साइड में ऐसे होते हुए ये बाहर को निकाल दिया। अभी क्या आपने इसमें कोई लोड नहीं लगाया जो है, किसी प्रकार का आगे लोड नहीं लगाया। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका इसको बोलते हैं समांतर, तो इसमें बंद हो जाता है वोल्टेज बंद। अब देखो फिर से कोण कटने लगेगा, फ्लक्स का छेदन होने लगेगा, तो फिर से ये देखो यहाँ से देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। अब क्योंकि ये 180 घूम गया पूरा, तो अब देखो ब्लू है वो अपनी साइड को आ रहा है और पिंक है वो ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ही ये 180 घूमेगा तो तुरंत इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर का जो सिरा है, अब देखो ये हो गया जस्ट चेंज, ये हो गया देखो चेंज, अब यहाँ से ये फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब 180 के बाद
ये चेंज हो जाएगा। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा इसमें कि किस तरीके से 180 के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, यानी ब्लू दूसरी दिशा में हो जाएगा और पिंक है वो दूसरी दिशा में हो जा रहा है। इस तरीके से अपना ये चल रहा है, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो रहा है जो, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका, तो आगे अपन ये अप इनटू स्क्रीन और डाउन हो गया है। इस तरीके से अपन इसको पूरा राउंड कर देंगे जो है, तो इस तरीके से ये, अब ये चूंकि बहुत धीमे घूम रहा है इसलिए अपन को समझ में आ रहा है, जब ये बहुत फास्ट घूमता है यानी 250 से ऊपर आरपीएम और भी बहुत ज़्यादा गति होती है तो उस पर ये अपन को क्या है दिखाई नहीं देता है कि ये किस साइड को मूव कर रहा है, यानी ये किस साइड को घूम रहा है जो है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली में इस तरीके का ही करंट का फ्लोशन होता है। अब अपन क्या करना है कि अपन को ये करंट को बाहर निकालना, अभी तो क्या है करंट काय में बना है कंडक्टर्स में बना है, तो कंडक्टर में जो जनरेट है वो एक अपन लोड डालेंगे, तो लोड में क्या है कि अगर ऐसे हम ये देखो सीधे वायर जोड़ दें, ये इसको जोड़ दिया इसको जोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारे लैंप यानी लोड में ऐसे करंट प्रवाहित होगा, लेकिन क्या होगा ये वायर देखो टूट जाएंगे, ये जो है उलझ जाएंगे आपस में, और उलझने से क्या है ये आपस में टूट जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है करंट वोल्टेज को बाहर निकालने के लिए। अब इसके लिए हमने क्या करा है, दो स्लिप रिंग लेंगे, तो देखो दोनों कलर की ली हैं, ब्लू साइड में ब्लू कलर की ले ली हमने और पिंक कलर की ले ली, और दोनों पे अपन ने क्या है ब्रशों को लगा दिए हैं। तो अब जो ब्लू है वो ब्लू स्लिप रिंग से जोड़ दिया है, और पिंक है पिंक साइड है वो पिंक से अपन ने जोड़ दिया, यानी एक सिरा अपन ने ब्लू से जोड़ दिया है और एक सिरा जोड़ दिया है अपन ने पिंक से जोड़ा। अब दोनों स्लिप रिंगों पे क्या देखो ब्रश टचिंग होंगे, ब्रश अपन को पता है कार्बन या ग्रेफाइट के मेटल्स के बनेंगे या फिर, ठीक है, चूंकि ब्रश नहीं घूमेंगे स्लिप होंगे जे, यानी देखो इसका नाम ये स्लिप रिंग, रिंग का मतलब गोल, इस पर स्लिप कराते हैं ब्रशों को अपन जो है, ठीक है, यानी जो अपने घूमेंगे वो ब्रश घूमेंगे जो है, ठीक है, ना कि अपने क्या घूमेंगे स्लिप घूमेगी जो है, ठीक है, ब्रश अपने जो है, जैसे एक उदाहरण में मैंने ये बताया साइड में, ये देखो इसमें जो है ब्रशों को अपन को घुमाना है जो है इस तरीके से जो है, ठीक है। अब आप समझ, अब देखते हैं अपन इसको घुमाएंगे, तो अभी देखो इसमें करंट की फ्लो की दिशा जिस तरीके से वो कंडक्टर में है उसी तरीके से बाहरी लोड में आ गया देखो, ठीक है, ये इस साइड से ये होता हुआ और ये इस ब्रश से ये होता हुआ लैंप से होता हुआ दूसरे ब्रश में, और वहाँ पे देखो सर्किट पूरा हो गया है, यानी जो लूप का सर्किट है और हमारा देखो बाहर लैंप का सर्किट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो एक जैसा है, देखो बिल्कुल एक जैसा है आपका, जैसा वहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे जो है, ठीक है। अब जैसे ही अपन इसको घुमाएंगे तो देखो जैसे ही 180 घूमेगा तो नेचुरल है कि अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो बाहर भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी एक जैसा होगा, यानी 180 के बाद अंदर कंडक्टरों में चेंज होगा और बाहर के सर्किट में भी करंट चेंज हो जाएगा जो है, यानी इसकी जो दिशा है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे अभी पिंक से क्या हो रहा है जा रहा है, ब्लू से क्या आ रहा है, अब देखो ये 180 होगा यहाँ, अब देखो आप इस कंडीशन को, अब ये देखो चेंज हो गया है, अब पिंक बाहर दे रहा है, ठीक है, ब्लू क्या है अंदर की साइड ले रहा है, तो अब जो करंट आ रहा है वो देखो पिंक वाली स्लिप रिंग से लैंप से होता हुआ और ब्लू वाले में से पूरा सर्किट पूरा हो गया है। देखो स्पष्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का ये सर्किट जो है ये पूरा हो गया है जो है, ठीक है, ये देखो पूरा सर्किट ओके हो गया है और ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब ये लैंप देखो बार बार जल रहा है और बार बार बुझेगा, क्यों, जैसे ही अपन इसको 180 बाद घुमाएंगे तो इसका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो करंट का जब डायरेक्शन चेंज होगा तो सप्लाई भी जीरो पर पहुंचती है। अब चूंकि इसकी गति देखो बहुत ज़्यादा होती है तो ये अपन को जलता बुझता दिखाई नहीं दे रहा, अभी क्या अपन गति बहुत स्लो की है, तो आपको इस पर दिख रहा है ब्लू जल गया और येलो जल गया, इससे अपन को पता चल गया कि करंट इस दिशा से था फिर इस दिशा से है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर करंट, यानी एसी करंट हो जाएगा ये अपना, ठीक है, एसी करंट इसी तरीके का रहता है, बार बार अपने डायरेक्शन को क्या करता है चेंज करता रहता है जो है, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर रहा है पूरा जो है, बार बार जो है लैंप देखो अलग कलर का जलेगा फिर येलो कलर का जलेगा, ये एसी जनरेटर कहलाता है। एक्चुअली में सभी जनरेटर एसी ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसी तरीके के एसी सप्लाई उत्पन्न करते हैं। अब सपोज दैट इसकी अपन को दिशा अगर बदलना पड़ जाए, अपन ये चाहते हैं कि हमें करंट फ्लो है वो एक ही दिशा में हो यानी बार बार बदलने, तो इसके लिए हमें अब क्या करना है,
कि इसके लिए एक दूसरी डिवाइस अपन को लगानी पड़ेगी, इसको अपन बोलते हैं स्लिप रिंग। अभी क्या थी, स्लिप रिंग थी, अब स्लिप्ट लगानी पड़ेगी अपन को। तो स्लिप्ट क्या होती है कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगी जो है, ठीक है। अब वो कैसे नहीं होने देगी उसको अपन ये पूरा जो है सर्किट में समझेंगे। ये एक जैसा ही अपना इसकी जो है डायरेक्शन बना रहा है, यानी दिशा जो है करंट की वो एक जैसी ही बना रहा है, लेकिन अंदर जो अपना कंडक्टर देखो घूमेगा वो तो अपने करंट की दिशा बदलेगा, लेकिन क्या होगा कि बाहरी सर्किट में करंट की दिशा नहीं बदलेगी जो है। एनल ऐसी डिवाइस अपन लगाने वाले हैं कि बाहर करंट की दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन जो अंदर है देखो ये कंडक्टर है इनमें बदलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि इन कंडक्टरों को तो जैसे ही कंडक्टर अप और डाउन होंगे तो अप साइड आपको पता है अलग बनेगा करंट की दिशा और डाउन साइड अलग बनेगा, लेकिन जो बाहर लेने वाला सिस्टम है उसको हम ऐसे बना देंगे कि इससे क्या होगा कि करंट का जो डायरेक्शन है वो एक जैसा ही रहेगा, यानी चेंज नहीं हो किसी भी तरीके से, इसको चेंज नहीं हो जो है। तो इसके लिए जो अपनी डिवाइस लगेगी वो है, तो जो डिवाइस अपनी कहलाएगी यहाँ पे ब्रशों के साथ संपर्क में लगेगी, ये स्प्लिट लगाने वाले। अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये स्प्लिट क्या होता है जो है, ठीक है, यानी स्प्लिट कैसे काम करता है और ये होता क्या है जो है। अब ये देखो ये है अपना स्प्लिट लगा दें। स्प्लिट क्या होता है कि जो स्लिप रिंग होती है उसके दो टुकड़े कर लेते हैं, बीच में क्या होता है ये माइका भरेंगे, ये जो कट दिख रहा है ना इस पर अपन माइका भर देते हैं, यानी इंसुलेटेड हो जाता है ये, यहाँ पे दोनों इंसुलेटेड हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि पिंक वाली जो है वो अंदर की ओर जा रहा है, सही जुड़ी हुई है, और ये जो ब्लू वाली है देखो ये बाहर को करंट देगी जो है, तो इससे ब्रश जो है अपना बाहर को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी की जो कंडीशन है वो जैसा अंदर, अब ये जैसे देखो अंदर जो कंडक्टर दिशा बदल देंगे, ठीक है। अब देखो पिंक वाला बाहर को गया, तो जब पिंक वाला बाहर को हुआ है तो वो बाहर को निकालने वाले ही ब्रश से टच हो गया, देखो जब तक वो भी घूम गया यानी रिंग भी घूम गई उसने ही समय में। और ब्लू वाला देखो अंदर को जा रहा था, तो वो अंदर वाले ब्रश से, यानी जो पहला वाला ब्रश है वो अंदर, ये वाला है अपना सेकंड वाला बाहर को। अब ये देखो अब ब्लू में बाहर को आ रहा, तो ब्लू देखो इस साइड वाले से पहले वाले ब्रश से टचिंग हो गया, और दूसरे वाले से देखो पिंक वाला टच, मतलब वो अंदर को भेजने वाला है। यानी अगर आप ब्रशों को देखोगे तो वो अंदर साइड, दूसरा वाला जो ब्रश है ये वाला, ये देखो अंदर को देगा हमेशा, ठीक है, और ये वाला ब्रश है वो बाहर को लेगा, ठीक है। तो जैसे ही अंदर का अपना घूमता है तो ये बन जाता है डायरेक्ट करंट, यानी ये बन गया अपना डीसी जनरेटर जो है। तो देखो इस प्रकार से हमारा लैंप बंद चालू नहीं होगा, एक ही दिशा में करंट का डायरेक्शन फ्लो होता रहेगा जो है। तो अब आपको स्पेशली इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, जब और भी ज़्यादा सेगमेंट हो जाएंगे इसमें तो ये कम्यूटेटर बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा कंडक्टर होते हैं तो ये कम्यूटेटर बन जाता है। ये देखो क्या बन गया है, स्लिप रिंग। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्लिप रिंग और कम्यूटेटर समझ में आएगा। स्लिप रिंग में देखो कोई कट नहीं होगा, अलग अलग लगेंगे, कम्यूटेटर में आपको बताया या स्लिप्ट में जो बताया आपको उसमें एक कट लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा जनरेटर एसी और डीसी बाहर निकालता है। अगर हम स्लिप रिंग लगा देंगे तो एसी निकालेगा, स्लिप्ट या कम्यूटेटर लगा देंगे तो ये अपन का डीसी निकालेगा, ठीक है। धन्यवाद।